अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में हूँ और अपने किचन स्टोव की लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ स्पेल करती है वो नीचे के कैबिनेट में चली जाती है और काफ़ी मैसी हो जाता है, क्योंकि ये स्टोव सील नहीं है। तो इसे कई तरीक़ों से सील किया जा सकता है, बट मैंने इसे सील करने के लिए एक सीलिंग टेप मंगवाई है। ये मुझे काफ़ी ईजी टू यूज़ लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। ये टेप्स मैंने ऑनलाइन बाय की हैं और अपने स्टोव के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 2 टेप्स ऑर्डर की हैं, क्योंकि मेरे स्टोव का साइज़ थोड़ा बड़ा है। ये वाटरप्रूफ रबर मटेरियल टेप है और 1-साइडेड एडहेसिव है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, और इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है जिससे ये अच्छे से बेंड हो जाएगी और आसानी से लगाई जा सकेगी। तो चलिए इसे स्टोव पर लगाते हैं। इसे लगाना काफ़ी आसान है और बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, बहुत इजीली ये लग रही है। बट इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि इसे लगाते हुए आपने इसे ज़रा सा भी स्ट्रेच नहीं करना, बिकॉज ये रबड़ मटेरियल है, तो फिर जब वापस अपनी जगह पर आएगा तो लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। और इससे पहले आपने अपनी सरफेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, मीन्स अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि अगर सरफेस पर डस्ट होगी या चिकनाई होगी तो फिर ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। बस इसी तरीके से बस इसके नीचे का जो पेपर है उसे उतारते जाएंगे और इसे लगाते जाएंगे, बट कीप इट इन योर माइंड कि आपने इसे स्ट्रेच नहीं करना। स्टेप के सेंटर की जो लाइन है इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और लगाने में काफ़ी आसानी भी हो जाएगी, और यहाँ से ये बेंड होगा जिससे ये स्टोव और शेल्फ के साथ इवनली अटैच होकर अच्छे से इसे सील कर देगा। बस इसी तरह आप इसे लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये टेप कम्प्लीटली लग चुकी है। अब ये कितनी ड्यूरेबल है ये तो कुछ अर्से इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा, बट आई होप कि ये वर्क करेगी। और अगर एक अच्छा टाइम पीरियड गुजारने के बाद ये ख़राब भी हो जाती है तो इसे चेंज करना काफ़ी आसान है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी सजेशन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं मोस्टली आर्ट एंड क्राफ्ट के अबाउट वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो चैनल का विजिट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।